फैक्टर इन्वॉल्व होता है, मतलब ऐसे तो कोई भी फिल्म में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, लेकिन एनिमेशन की बात करें तो इसका मार्केट जो बेस है इसका रिस्क तो बहुत है। पर जैसे अगर आपके पीछे रावण पड़ जाए तो आपको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये स्टारकास्ट की बात करें, ये कितना आपके लिए प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये स्टारकास्ट इतना मिलना आसानी था, सब कोई बिजी है। नहीं, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ पिक्चर के बारे में, जो ना तो ट्रेलर में आया है ना तो हमने अभी तक कम्युनिकेट किया है, कि इस बार आपको रावण जो दिखाई देंगे, आपको सारे 10 सर 10 डिफरेंट एक्टर्स ने वॉइस किए हैं। तो पहली बार आपको ये देखने को मिलेगा कि जो रावण जैसे वाल्मीकि ने उनको रेंडर किया था, इतने बुद्धिमान थे, तो उनके इतने सर कितना आर्ग्यू करते थे, और सेंट्रल सेट को जो उनके जो मेन सर जो गुलशन जी प्ले कर रहे हैं उनको कितना कंफ्यूज कर देते थे। तो किस लार्ज स्केल पे इसको आप मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, इंडिया या वर्ल्ड वाइड? नो, सो वी डूइंग अ फुल इंडिया रिलीज, एंड होपफुली फ्रॉम इंडिया इट शुड गो आउट एंड द वर्ल्ड शुड वॉच दिस ग्रेट टेल ऑफ रामायण। लास्टली आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो एनिमेशन फिल्म्स होती हैं, आप देखिए उनका बजट भी होता है, लार्जर देन लाइफ होता है, उस तरह का अभी हमारी कंट्री में कब मतलब देखने को मिलेगी, लार्जर देन लाइफ इमेज जो ग्रेट कंट्री है एनिमेशन, होपफुली हमारी फिल्म देखने को मिलेगा, फिल्म हिट करो। आप लोग भी इंकरेज कीजिए कि बच्चे जाके देखें इस फिल्म को, और हम भी चाहेंगे, हम अपने सारे प्रमोशन के द्वारा चाहेंगे कि बच्चे देखें, बच्चे इनकरेज हों, फैमिलीज इनकरेज हों, क्योंकि हमने जो कहानी बनाई है हमारे हिसाब से दोनों बच्चे और एक परिवार दोनों साथ में जाके ये कथा को एक नए रेंडिशन रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से, रावण के 10 सर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी रामायण देखने को मिलेगी। सर, जिस तरीके से बच्चों की बात चलिए सर, तो हाल ही में सर जो मुंबई जूनियर मैराथन करके एक रनिंग इवेंट है जिसमें बच्चों के हेल्थ एंड इश्यूज को लेकर उसमें रनिंग इवेंट है, सो आप बॉलीवुड के काफी सेलिब्रिटीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, बहुत ही नेक बात है, बिल्कुल हम भी सपोर्ट करेंगे। और मैं वापस अपनी फिल्म की तरफ जाता हूँ कि मैं मेरे मित्र स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव को बहुत याद कर रहा हूँ, बहुत बहुत पैशन से, बहुत प्यार से आदेश ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया, और फिर ये बागडोर आदेश के बेटे ने संभाली, जो मैंने लास्ट गाना डब किया जब वहाँ पर गया आदेश के स्टूडियो में दोबारा, तो आदेश के स्वर्गवास के बाद उसका बेटा इस कमान को संभाले हुआ था, और उसने कहा कि अंकल मैं आपकी आवाज़ डब कराऊँगा। तो ये फिल्म जो है महायोद्धा राम, आई ऑफकोर्स रोहित ज़्यादा अच्छी तरह से बता सके, क्योंकि क्या हुआ एक पॉइंट के बाद ना रोहित पे पूरा भरोसा कर लिया कि वॉट एवर द डायरेक्टर वो सेइंग बिकॉज, और ये भरोसा आता है इतनी फिल्में करने के बाद, जब आपको कोई चीज़ एबिलिटी की झलकती है कि आपको लगता है कि यार यस मुझे अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, द डायरेक्टर हैज़ इट ऑल क्लियर एंड डायरेक्टर हैज़ लुक्ड एट वेरियस एवेन्यूज एंड वेरियस ऑप्शंस। सो ओवर टू यू रोहित। सारी एक्टिंग खुद ही करनी पड़ती है, सबको बोता है। एनिमेशन फिल्म के बारे में ऐसा है कि जान तो है नहीं कि जब तक पता नहीं चलता कि वो देखेंगे क्या कि हमने रिकॉर्ड क्या किया, और रेंडर वेंडर होके लगा लगता है कि अभी फिर से इसको करना पड़ेगा, तो फिर बैंड बजता है बिकॉज प्रोड्यूसर बोलता है अब टाइम नहीं है, और एक्टर बोलता है कि अब तो मैंने कर दिया। सो रियली आई थिंक इट्स टफ बट इट्स ऑल्सो इजियर बिकॉज सारा कंट्रोल आपके हाथ में, सो कंट्रोल के हिसाब से आपके हाथ में, यू हैव फन विद इट, आई थिंक इट्स इजियर दैट वे। वेल, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं कॉन्टिलो को दूंगा जिन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि मुझे लगता है एनिमेशन जो है आज के ज़माने में सबसे बेस्ट वे है बच्चों के, आज की जनरेशन के पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि शायद वो किताबें इतनी नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, तो एनिमेशन बच्चे देखना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे हीरो ऐसे दुनिया के हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, लोग देख रहे हैं, बच्चे पसंद कर रहे हैं। और ये जो इस तरह की जो एनिमेशन फिल्म है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमारा अपना कल्चर जो है आज की जनरेशन तक पहुँचेगा, जो बहुत स्लो हो रहा है।
और ये फॉर्म जो है मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है और हमारे पास जो टेक्निकली अब भी हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत साउंड हैं और उससे ये चीज़ें और भी बेहतर बनती हैं, देखने में और भी मज़ा आएगा लोगों को। मुझे बेहद खुशी है कि इस एनिमेशन के ज़रिए हम अपने कल्चर हमारी जो रामायण की जो कथा है जो दुनिया भर जिसे मानती है दुनिया मानती है वो बच्चों तक पहुंच पाएगी, इसलिए पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एज ए एक्टर मुझे जो मिलता है मैं पहले तो उसको देखता हूँ, ये मुझे मौका जब मिला हनुमान जी की वॉइस देने के लिए तो मुझे बेहद बेहद खुशी हुई इस बात की, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, मुझे एक खुशी थी। कई बार आप कुछ काम करते करते कुछ अचीव कर जाते हो जिस तरह अच्छी फिल्में होती हैं, इसी तरह मुझे जब मौका मिला कि हनुमान जी के ऊपर वॉइस देना है तो बहुत बड़ी बात होगी। और जो रामलीला के से लेके और घर में जो रामायण पढ़ी जाती थी वो सब चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, महसूस की हुई हैं, मैं खुद कई बार घरों में बैठ के रामलीला का हिस्सा बन जाते थे, तो आज उसकी आवाज़ देने का जब मौका मिला तो मुझे बेहद बेहद खुशी हुई। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके कि मेरी आवाज़ जो है इस मैं तो ये मानूंगा कि ऐसे महान शक्ति के लिए मेरी आवाज़ जो है इस काबिल समझी गई, एक मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कुछ नहीं, मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया क्योंकि रामायण जो है मेरे अंदर रची बसी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसे रामलीला मेरे देखी हुई है। अभी भी मुझे पिछले 3 साल से मुझे रावण का रोल ऑफर हो रहा है जो दिल्ली में रामायण होती है, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा वहाँ किसी वजह से, इस साल भी मैं नहीं जा पा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो एक तो जहाँ तक समझ की बात है मुझे पूरी समझ है इस बात की, मैंने खुद देखा हुआ है, सुना हुआ है, हमने इतना सुना हुआ है इनके बारे में और पढ़ा भी हुआ है, तो मैं कोई आउट ऑफ द वे मुझे नहीं जाना पड़ा। हाँ यस, डायरेक्टर क्या चाहते हैं इसमें एक शायद एक पर्टिकुलर टोन हमने इस्तेमाल किया है वो उनको ठीक लगना चाहिए, वो जो चाहते थे तो मुझे लगता है कि वो जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि ये रामायण तो मेरे अंदर रची बसी है, इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई करना। मैंने कहा जैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, अब रामायण महाभारत चाहे बाइबल है इनके ऊपर जब कहानियाँ बनेगी तो आज के बच्चों को हम कैसे दिमाग में उनके पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो एनिमेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म। और इस फॉर्म में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह हुआ होगा, इसे बहुत 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 इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये जो फॉर्म अभी चूज़ की गई है, खुशी इस बात की है कि बड़ी कंपनीज लाइक पेंटल इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने इसे अपना एक वो बनाया कि हम इसे बेहतर तरीके से बनाएंगे और लोगों के सामने पेश करेंगे। तो सब चीज़ें मिल के टोटलिटी में मुझे लगता है ये फॉर्म जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे हम लोग अपने कल्चर को बच्चों तक पहुंचा पाएंगे, आज के लोग जिस तरह देखना चाहते हैं उस तरह उनको दिखा पाएंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही वेरी गुड एफर्ट। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ, अभी पेड़ लगाने की शुरू हुई थी तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ गया था, मैं यहाँ से कोई 200 किलोमीटर दूर गया था, मैंने भी वो किया। साफ सफाई में अगर कोई मुझे बुलाता है अगर मैं उसका हिस्सा बनता हूँ, मैं भी अपने एरिया में जुड़ा था कुछ लोगों के साथ में, तो मुझे लगता है कि जो भी देखो हमें हमारी हमारा देश जो है अभी चीज़ों को समझ रहा है, जो हम लोग यही समझ पा रहे थे कि अमीर बनना ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है और अच्छी दुकान अच्छा ऑफिस होना ज़रूरी है, लेकिन हम उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। हम ये भूल गए थे कि सब्जियां हमारी कितनी फ्रेश होनी चाहिए, किस तरह हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम भूल गए थे कि खाना हमारा कितना हाइजीन होना चाहिए, हमारा स्ट्रीट फूड कितना हाइजीन होना चाहिए, उनको किस तरह सिखाना चाहिए, ये चीज़ें हम नहीं भूल गए थे। तो ये चीज़ों की हमारी समझ अभी बड़ी है, तो मुझे लगता है कि टीवी के माध्यम से जिस तरह आप कह रहे हो बड़े लोग साथ में जुड़ेंगे तो इन सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग हैंडल कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में इन चीज़ों का फ़ायदा होगा। थैंक यू।